हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो टिकट बुकिंग करना वो जानते हैं, जैसे कि बाय चांस कभी कल ऐसा होता है कि कुछ घर के फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड सर्कल में जो भी होता है वो लोग पहले से टिकट बुकिंग कर लेते हैं, तो उन लोगों को एक कोच नंबर और सीट नंबर मिल जाता है। लेकिन मिलने के बावजूद अगर वो फिर से अपना फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड वगैरह अगर साथ में जाना चाहता है तो वो फिर से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, तो टिकट बुकिंग करते वक्त वो चाहते हैं कि मेरा जो पहले बुकिंग किया था जो कोच नंबर और सीट नंबर मिला है सेम उसी कोच में हम मेरा फिर से भी एक सीट बुक हो जाए। ठीक है, तो आप मतलब एक होता है क्या, टिकट बुकिंग करते वक्त आप जैसे 6 टिकट होता है या 12 टिकट होता है, ठीक है, तो एक साथ में आप 6 टिकट या 12 टिकट एक ही कोच में कैसे बुकिंग कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि आप एक बार में 12 टिकट हो या 20 टिकट हो, आप एक साथ एक ही ट्रेन में और एक ही कोच में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। या कोई फैमिली मेम्बर का टिकट बुकिंग आपने किया है और करने के बाद उनका कोच नंबर और क्लास या सीट नंबर बर्थ नंबर सब मिल चुका है, उसके बावजूद भी आप उसी बर्थ या उसी कोच में फिर से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख के समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको जस्ट एक टिकट का डेमो दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप भी अपना सेम कोच में बुकिंग 100% करवा सकते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सभी लोग अपना एक ही कोच में 10 या 12 या 15 टिकट करते हैं। ठीक है, या पहले से भी अगर आप बुकिंग किए हैं, आपको कोच नंबर मिला हुआ, तो आप इसके द्वारा ही आप ऐसे एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं पटना से लोकमान्य तिलक का एक टिकट दिखा रहा हूँ आपको 17 सितंबर का। ठीक है, तो ऊपर में एक ट्रेन का CSMT सुविधा एक्सप्रेस देख पा रहे हैं 1:05, इस पर मैं क्लिक किया स्लीपर क्लास में। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे कि सिंपली आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो पैसेंजर्स डिटेल्स पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, पटना से CSMT तक की जाती है, ये भी मतलब मुंबई में ही है, तो पहले से आप पैसेंजर का नाम भी ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। नॉर्मल टिकट में पैसेंजर का नाम ऐड करिए या ना करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा पहले से इसमें पैसेंजर का नाम ऐड है। ठीक है, तो मैं ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद सबसे नीचे में अगर आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑदर्स प्रीफ्रेंस में कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन को आपको चूज नहीं करना है अगर कन्फर्म बर्थ बुकिंग करना है। तो दोस्तों, अगर आप पहले से कोई सीट बुकिंग किए हुए हैं, पहले से कोई टिकट आप कन्फर्म है आपका, जिसको कोच नंबर और सीट नंबर आपको मिल चुका है, इसके बाद आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको सिंपल सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। ठीक है, आप ठीक से देख लीजिए, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको अगर S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 जो भी स्लीपर में अगर आप बुकिंग कर रहे हैं या AC में बुकिंग कर रहे हैं या थर्ड AC स्लीपर या आपका सेकंड AC या फर्स्ट AC जो भी हो, आप सिंपली इसमें क्या करना है, आप अगर पहले से टिकट बुकिंग किए हैं तो वो कोच नंबर सिर्फ आपको फिल करना है, बर्थ नंबर नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ कोच नंबर आपको यहाँ पे कोच नंबर डाल के कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोच नंबर S5 है तो S5 ऐसे लिख दीजिएगा और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, या B1 है तो सिर्फ B1 या B2 है B2 लिख के आपको कुछ नहीं करना है। आपको पेमेंट जैसे करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करते हैं तो उससे, नहीं तो भीम UPI से करते हैं तो आप भीम UPI से भी पेमेंट करके आप टिकट अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से सभी लोग, रेलवे वाले भी प्लस एजेंट लोग भी सेम इसी तरह से टिकट बुकिंग करते हैं। हाँ, बचा बात, आप एक बार में 10-12 टिकट बुकिंग करना चाहते हैं सेम कोच में, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि एक बार में 6 टिकट ही बुकिंग होता है नॉर्मल टिकट। अगर आप चाहते हैं 8 आदमी का बुकिंग करना है या 10 आदमी का बुकिंग करना, तो एक ही कोच में कैसे, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में जब 6 बुकिंग होगा तो कोच नंबर अलग देगा, दूसरा बार बुकिंग करेगा तो कोच नंबर अलग दे सकता है। ठीक है, तो आप लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम कैसे बुक कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेम यही प्रोसेस रहेगा, कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं है। ठीक है, मान के चलिए सीट कम है और आपके पास पैसेंजर 6 है, चाहते हैं सबका एक साथ हो, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा रिजर्वेशन चॉइस पे। देखिए, आपको रिजर्वेशन चॉइस लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो रिजर्वेशन चॉइस पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, ये अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ ये देखिए रिजर्वेशन चॉइस पे मैं क्लिक किया तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है
फर्स्ट नंबर में तो नॉन है कि मतलब जो मिल जाएगा वैसे ही चलेगा। सेकंड नंबर में आप देखिए बुक ओनली इफ और ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच, मतलब आप जो भी टिकट बुकिंग कर रहे हैं, जितने भी पैसेंजर का टिकट बुकिंग कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब यह है कि सबका टिकट क्या एक साथ और एक ही कोच में चाहिए। तो इसका मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि हाँ हमको एक साथ सभी पैसेंजर का टिकट एक साथ एक ही कोच में चाहिए। तो आपको यही ऑप्शन को यूज़ करना है, बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच। ये अगर ऑप्शन आप यूज़ करते हैं तो 6 पैसेंजर का जो एक बार में बुकिंग होता है या 4 पैसेंजर का जो एक बार में बुकिंग होता है, इससे क्या होगा कि सबका सब एक ही कोच में बुकिंग होगा। बाय द वे सीट कम होने की वजह से आपका सीट इधर उधर हो सकता है लेकिन कोच आपका सेम होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे या मेरा जानकारी को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो सो आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।